जैसा कि आप जानते हैं कि इस बारी यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है और आज जो प्रथम पूजा है वो भी हो गई सवेरे, तो अब यात्रियों का आना शुरू हो जाएगा 28 तारीख से। तो उनके लिए जो अरेंजमेंट्स हैं उनको देखने के लिए आज हम यहाँ आए और एक छोटी सी मीटिंग भी की। यहाँ सभी डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स मौजूद थे और उनके साथ ये रिव्यू किया गया कि क्या क्या सुविधाएँ, क्या क्या व्यवस्था यात्रियों के लिए की गई है। और ये रिव्यू करने के बाद मुझे लगा कि इधर भगवती नगर के यात्री निवास में यात्रियों के लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो उनका जो स्टे यहाँ होगा ये बड़ा कंफर्टेबल होने वाला है। सर, इस बार क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं, क्या कुछ चीज़ों को एनहांस? कई सारी चेंजेस की गई हैं। हमारे लॉजमेंट सेंटर्स बड़े हैं, होल्डिंग कैपेसिटी बड़ी है, यात्रियों के लिए जो सुविधाएं हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है, और ज़्यादा इसको इफेक्टिवली मॉनिटर कर रहे हैं ताकि जो यात्री यहाँ आएंगे उनका जो एक्सपीरियंस होगा वो सुखद एक्सपीरियंस होगा। सिक्योरिटी के जो अरेंजमेंट्स हैं वो पूरे किए जा रहे हैं और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि जो कुछ भी इसमें करना ज़रूरी है वो सारा किया जाएगा और यात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। थैंक यू सर।